दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा एक दिवसीय पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर जसवंत राव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिष्ठाता छात्र कल्याण के प्रोफेसर रविशंकर सिंह और विशिष्ट अतिथि वित्त अधिकारी वीरेंद्र चौबे, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ अवनीश कुमार मिश्र थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि साथ साथ तकनीकी का ज्ञान जरूरी है। आज के समय में सरकारी लेन देन करने का उत्तम तकनीक PFMS है। कार्यक्रम में PFMS ऑपरेशन मैनेजर नवनीत वर्मा, अमन कुमार, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सहयोगी है, मित्र हैं और विश्वविद्यालय की चिंता करते हैं, बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। कांग्रेस के पिछले जमाने में द्वारका प्रसाद मिश्रा हुआ करते थे, कोई समस्या नहीं थी, विद्यालय को प्लान करके जाना पूरे अपने आदेश की कथा धंधा अपने आपने बड़ी महत्वपूर्ण जगह मिली। और आभार व्यक्त करता हूँ अपने अनुज डॉक्टर केशव सिंह जी का कि मुझे बहुत बड़ी पदवी इन्होंने दे दिया। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे लोग और भी थे विश्वविद्यालय में, लेकिन मुझे कुछ इनका स्नेह मेरे ऊपर मेरे कुछ ज्यादा रहता है। ये तो यही बताएंगे क्यों रहता है। कोई कहते हैं जब आप पढ़ी है तो कुछ पढ़ना लिखना पड़ता है। मैं थोड़ा सा ये जिक्र करूंगा कि जब भी थोड़ा सा इसके इनर डेप्थ में जाए तो जब भी हम कोई शब्द क्वाइन करते हैं, कोई एक्रोनिम बनाते हैं या कोई शब्द प्रस्तुत करते हैं, उसका डिजाइन करते हैं, उसका बड़ा सोच समझ के करते हैं। और वैसा शब्द होता है जो अपील करे, क्योंकि अपील करना जरूरी इस वजह से होता है कि एक व्यवस्था से हमको दूसरी व्यवस्था में ट्रांजिट करना होता है। तो जब हम ट्रांजिट करते हैं तब हम एकदम अवेयर हो कि ट्रांजिट करें, ऐसा ना एस्टिमेशन कर ले कूदने जा रहे हैं तो नाला इतना चौड़ा हो उतनी हमारी सांस फूल जाए कूदने के चक्कर। तो जब ये PFMS को जब बनाया गया होगा तो थोड़ा ध्यान में रखना हमको है कि इसको क्या कहा गया, क्यों ऐसा कहा गया। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा फाइनेंस जो पब्लिक का हो, सबका हो, लोक वित्त हो, वो अपना स्वतः से जब निकले वो सबका, और उसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी यह पूरा PFMS सिस्टम करता है। वह भी जो किसी एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण लोक का है। जिस देश के वासी हम लोग हैं, हम सभी लोग अपने अपने सर्विस करते हैं, सर्विस करने के बाद हम सेवा करते हैं, सेवा ही हमारी पूंजी है और उसका हमको पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रमिक मिलने के बाद जब उसमें से कुछ चीज कट करके जब जाता है कोई पब्लिक को जाता है। जो एक छोटा सा उदाहरण दे, हम सभी लोग इनकम टैक्स भरते हैं, तो जब इनकम टैक्स पहुंचता है सरकार के पास तो वो एक पब्लिक जो लोक वित्त का एक पार्ट हो जाता है। इस तरह से सरकार के पास कई जगह से फंड आता है, वो जो जब लोक वित्त वहां पहुंच जाता है तो समस्या यह उत्पन्न होती है कि तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो व्यवस्था लागू होने जा रही है उसके पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था थी। अब पूरा समाज अभी तक इस व्यवस्था के लागू होने के पहले तक पूरा वित्त का प्रबंधन वही व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था करती थी। और मुझे ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि
कि जो पुरानी व्यवस्था और जो पुराने लोग उस व्यवस्था के अधिकारी या प्रबंधनकर्ता थे, अपना पूरा 100% दे करके ईमानदारी से उस लोक वित्त की व्यवस्था करते थे। ईमानदारी इतनी सर्वोत्कृष्ट थी कि आज भी प्रथम वित्त अधिकारी जो हमारे विश्वविद्यालय के हैं, उनका हम लोग उदाहरण देते हैं कि जब कोई पत्र विभागों में जाता था तो ये वित्त अधिकारी के माध्यम से एक लेटर जाता था कि कोई भी पत्र का जो पेज है अगर वो आपका संग्रहणीय है तो उसका संग्रहण करें, नहीं तो लिफाफा भी आप फेंके ना, लिफाफा इकट्ठा करके रखे रहे, हमारा आदमी जाकर ले आए। वो विश्वविद्यालय नया नया था, धन का अभाव था, वो बिकता था और फिर विश्वविद्यालय के खाते में जमा हो, वो लिफाफा था।